दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड से काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है और न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम के ऊपर हार का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में विराट कोहली से नाखुश टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की हार का जिम्मेदार विराट कोहली को ठहराते हुए अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया जिसको देखने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस समय फाइनल मुकाबले को जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मैच का टॉस भारतीय टीम हार गई थी और किवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने बड़ी ही चालाकी से भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए थे। आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज एक बड़ी पारी नहीं खेल सका, जिसकी वजह से टीम एक मजबूत लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में टीम को उम्मीद थी कि गेंदबाजी पक्ष से, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह से इस मैच में पानी पिला दिया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के तीसरे दिन के खेल समाप्त होने तक 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था और इस बीच उन्होंने सिर्फ 2 ही विकेट खोए हैं। इसके बाद भारतीय टीम की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक दिख रही है। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआती झटके देने में कामयाब नहीं रहा, जिसके बाद भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने अपनी टीम के खराब प्रदर्शन का सारा श्रेय कप्तान विराट कोहली के ऊपर डाल दिया। रोहित शर्मा का मानना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे महामुकाबले में विराट कोहली ने टीम का चयन ठीक से नहीं किया। पहले तो उन्होंने केएल राहुल को टीम में शामिल ना करके गलती की, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा। टीम एक बड़ा लक्ष्य बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। अगर केएल राहुल टीम में होते तो हम शायद कुछ और रन बना सकते थे। साथ ही विराट कोहली ने दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करी कि मोहम्मद सिराज जैसे तेज तर्रार गेंदबाज को टीम में शामिल नहीं किया। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर जो किया वो दुनिया देखती रह गई थी और ऐसे में जरूरत थी इस महामुकाबले में मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज को टीम में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि विदेशी पिचों पर सिराज का रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा रहा था और आज अगर वो मुकाबले में होते तो शायद भारतीय टीम को शुरुआती विकेट दिलाने में कामयाब हो सकते थे। मगर विराट कोहली ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसका खामियाजा आज इस मुकाबले में हम सभी को भुगतना पड़ा। भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई दिख रही है। अगर हम इस मैच को हारते हैं तो इसका सारा श्रेय विराट कोहली को जाता है। उन्होंने इस मैच में टीम का सिलेक्शन ठीक से नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या वाकई में भारतीय टीम विराट कोहली की गलतियों की वजह से इस मैच में न्यूजीलैंड से पीछे नजर आ रही है या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।